गाइस, दिस इज कौशिक और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कौशिक व्लॉग में। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। गाइस, आज का मेरा एक वीडियो, मेरा ये वाला वीडियो एक कैबिनेट का वीडियो है। 915 मॉडल, JBL मॉडल का, JBL का एक मॉडल आता है 915 मॉनिटर मॉडल है वो। जैसे आप लोग LA का कैबिनेट देखते हैं वैसा ही कैबिनेट है ये 915। ये वाले कैबिनेट पे मैं क्यूब का 600 वाट का स्पीकर डालने वाला हूँ और डालने के बाद उसका रिस्पांस चेक करने वाला हूँ कि वो स्पीकर कैसा बजता है और 915 मॉडल का कैबिनेट कैसा कैबिनेट है। ये कैबिनेट आपके प्रोग्राम में लगाने लायक है। ये कैबिनेट LA का जो पुराना मॉडल आता था उसको रिप्लेस करने लायक है। ये मॉडल एस्थेटिकली अच्छा दिखने लायक है। हम लोग ये सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि LA से अच्छा है या नहीं। तो हम लोग ये वाले स्पीकर, ये रखा हुआ है हमारा स्पीकर क्यूब का 600 वाट, थोड़ा सा आगे आके हम लोग इसको देखेंगे। ये वाला स्पीकर मैंने बहुत बार ही चेक करा है, आहूजा के साथ भी मैंने चेक करा है, ऑडियो टोन के साथ भी मैंने चेक करा है और हर बार ये स्पीकर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। मगर ये स्पीकर को मैंने कभी कैबिनेट पे लगा के आप लोगों को नहीं दिखाया, तो आज मैं आपको ये वाला स्पीकर लगा के कैबिनेट पे दिखाऊंगा, इसका फिटिंग दिखाऊंगा और इसके बाद इसका एक चेक करके दिखाऊंगा कि आप लोगों को और मुझे इसका आवाज़ पसंद आता है या नहीं। तो एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं हम लोग ये स्पीकर के बारे में, क्योंकि मैंने ये स्पीकर का रिव्यू बहुत पहले 2-3 बार ही कर चुका हूँ और उसका मैं आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जल्दी जल्दी हम लोग ये स्पीकर के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर तुरंत इसे कैबिनेट पे फिट करेंगे और थर्ड क्लिप पे हम लोग इसको बजा के देखेंगे। तो जल्दी जल्दी आगे आ जाइए। ये RCF मॉडल का कैबिनेट, RCF मॉडल का बास्केट है, 220 mm का मैग्नेट है। ये क्यूब कंपनी इसमें एनग्रेव किया हुआ है, कैबिनेट इसके ऊपर भी एनग्रेव किया हुआ है, मैग्नेट चेचिस के ऊपर में भी, किट के ऊपर में, इसको हम लोग किट बोलते हैं। और ये रिंग है जो एयर वेंटिलेशन को कवर करने के लिए ये रिंग लगाया जाता है, इसमें भी क्यूब लिखा हुआ है। और पेपर इम्पोर्टेड पेपर है, मशीन सील डस्ट कैप है, डस्ट कैप का क्वालिटी आप देख रहे हो। और ये वाला स्पीकर का लिंक मैं आप लोगों को नीचे दिए देता हूँ और आइए चलिए हम लोग इसे सो गई। ये हमारा 915 कैबिनेट है, हमने 80 वाट का ट्यूटर लगाया है और 80 वाट का नोटरोक्स का नेटवर्क लगाया है। और ये हाइस फिटिंग हो रहा है, हाइस का साइज हमने छोटा किया है क्योंकि प्रेशर से आवाज़ निकलेगा सामने में। हमने बैक प्लेट और नेटवर्क पहले ही लगा लिया था ताकि वीडियो का साइज थोड़ा सा छोटा हो सके और हमने 2x स्पीड पे इसे फिट किया है। ये स्पीकर का बास्केट थोड़ा सा बड़ा था तो हमें कैबिनेट को हल्का सा काटना पड़ा। ये कटिंग होने के बाद हमने स्पीकर को लगाया। आप लोगों ने आवाज सुना, आप लोगों ने कैबिनेट को देखा, अब आप लोग बताओ कि क्या ये वाला कैबिनेट LA मॉनिटर को रिप्लेस करने लायक है। मेरा आंसर है यस।
QoS, क्योंकि LA कैबिनेट से साइज में छोटा है, एस्थेटिकली दिखने में LA कैबिनेट से ज़्यादा अच्छा दिखता है। आप इसे फ्रंट खड़ा करके भी रख सकते हो, इसे आप सुला के भी रख सकते हो। जी हाँ, आप LA में भी वैसा कर सकते थे, मगर LA को जब आप खड़ा करते हो तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। LA का मेन पर्पज है कि आप उसको स्टेज पे सुला के रखो या कर्व रखो, ताकि सामने जो गाना गा रहे हैं या जो स्टेज पे जो है उसे ठीक से सुनाई दे। मगर ये वाला जो कैबिनेट है 915, ये वाला मल्टीपर्पज काम करेगा। अगर आपको सिंगल 15 का कैबिनेट में भी यूज लेना है, डीजे में लगाना है या कोई प्रोग्राम में लगाना है तो भी ये काम आएगा, मॉनिटर के यूज में लगाना है तो भी ये काम आएगा। तो ये कैबिनेट मल्टीपर्पज कैबिनेट है। कैबिनेट दिखने में सुंदर है। तीसरा चीज, LA कैबिनेट पे जो गोल वाला हाइस लगता है, मेटल वाला, वो वाला हाइस मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलता है। ये वाला जो हाइस है, ये वाला मार्केट में रेडीली अवेलेबल रहता है, तो आपका आफ्टर सेल सर्विस जो बोलते हैं उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाई चांस आपका हाइस डैमेज हो गया या टूट गया तो आप मार्केट से इसे अवेलेबल कर सकते हैं, मार्केट से इसे आप खरीद सकते हैं। और बात बाकी आवाज़ आप लोगों ने सुना, क्यूब का स्पीकर हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करता है, अपने फुल पोटेंशियल पे चलता है, आवाज़ क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो जी हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा ये वाला कैबिनेट, और ये वाला स्पीकर तो मैंने हमेशा ही रिकमेंड किया है। बात बाकी आप लोगों का क्या व्यूज़ है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और जो लोग इसमें नए आए हैं इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।